हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे जबलपुर मध्य प्रदेश से, आप देख रहे हैं आपका अपना मेष राशि का राशिफल। यानी इस सप्ताह में 8 फरवरी से 14 फरवरी तक मेष राशि वालों का किस तरह का ग्रहों का प्रभाव रहेगा और किस तरह के सम विषम अनुकूल प्रतिकूल अच्छी बुरी परिस्थितियां आप देखेंगे। 8 फरवरी को मेष राशि वाले ध्यान दें, हम आपको तारीख बाई तारीख घंटे मिनट का पूरा राशिफल दे रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए कौन सा दिन शुभ, कौन सा दिन अशुभ, कौन से दिन में लाभ, कौन से दिन में हानि, कब कितने बजे क्या परिस्थितियां बनेंगी, यह आपके ग्रहों की गणना के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, आपको मिलान इसका करना है। 8 फरवरी को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच 8 फरवरी 2021 को मेष राशि वाले जातक सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच किसी को भोजन बनाने का, भोजन तैयार करने का निर्देश देकर घर से निकलेंगे। माना कि आप किसी होटल में ठहरे हैं, तो होटल में आप आकर अपने रूम से बाहर निकलकर या रूम से नीचे आकर मैनेजर को बोलते हैं, सो एंड सो जो भी आपको भोजन पसंद है यह तैयार करा दीजिए। थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, घूम के आते हैं, थोड़ा सा टहल कर आते हैं, या घर पर आप हैं तो घर पर कोई आदेश देकर निकलेंगे कि यह भोजन तैयार करके रखना, हम अभी आ रहे हैं। यह आपके ग्रहों आपको इस तरह प्रभावित करेंगे, ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव बड़ा सटीक होता है और हमारा दिया राशि फल बड़ा टू दी पॉइंट होता है। पिछले सप्ताह भी लोगों को जो हमने राशि फल दिया था, किसी को हमने 2 तारीख को भूखे रहने बोला था, किसी को 6 तारीख को भूखे रहने बोला था, वैसा ही हुआ। लोगों के बराबर मैसेज आ रहे, लोगों के बराबर फोन आ रहे कि आपका राशि फल 100% सटीक। 10 तारीख और 11 तारीख को मेष राशि वाले जातकों को 10 तारीख और 11 तारीख को कार्यों में असफलता मिलेगी, ये आपके ग्रहों की गणना बताती है। यानी 10 तारीख और 11 तारीख को कोई महत्वपूर्ण कार्य जीवन का नहीं करना चाहिए, अपने दैनिक कार्यों में लगे रहें। देखिए, दशा और दिशा दोनों मिल जाएं तो जीवन सफल हो जाता है, यानी जब समय अनुकूल हो उसी समय कोई काम किया जाए तो सफलता निश्चित मिलती है। तो 10 तारीख और 11 तारीख का दिन आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इन दिनों में आपको कोई नए काम नहीं करने चाहिए, जो काम चल रहा है उन्हीं में बाधाएं आएंगी, आप खुद देखेंगे, याद करेंगे। हमारे राशिफल को आप बार बार देखें, हमारे द्वारा दिए गए राशिफल को आप अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। भविष्यफल नामक हमारा YouTube पर चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और राशिफल खुद भी देखें, अपनों को भी दिखाएं। जो हमने लिखा है, जो हमने कहा है, वह जरूर होगा। 9 तारीख का दिन आपका खराब जाएगा, मेष राशि वालों का 9 तारीख का दिन खराब रहेगा, क्योंकि 9 तारीख के दिन विलंब से भोजन होगा या 9 तारीख को आप दिन भर भूखे रहेंगे। आपके ग्रहयोग ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आपके साथ कर रहे हैं या आपके खिलाफ कर रहे हैं कि उस दिन आपको भूखे रहना पड़ेगा, या 9 तारीख को, 9 फरवरी को मेष राशि वालों को दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। आप देखिएगा, जरूर ऐसा ही होगा। 12 तारीख को, 12 फरवरी 2021 को मेष राशि वालों को किसी डॉक्टर या दवाई की चर्चा प्रमुख रहेगी। 12 तारीख को शाम के समय मेष राशि वाले जातक दवाई की या डॉक्टर की चर्चा में तल्लीन रहेंगे। अब हो सकता है किसी डॉक्टर को चेंज करना है किसी मरीज के लिए, या किसी दवाई को बदलना है किसी मरीज के उत्तम स्वास्थ्य निरोगी काय के लिए, या जैसे जनरल चर्चा होती है कि ऐसा करते हैं, इस डॉक्टर को नहीं किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर बदल लेते हैं क्योंकि मरीज ठीक नहीं हो रहा, किसी मरीज की चिंता 12 तारीख को मेष राशि वाले करेंगे शाम को, और किसी दवाई या डॉक्टर के परिवर्तन पर विचार जरूर करेंगे
ये हमारा दिया राशिफल है, इसको ध्यान से देखिएगा। पेट का ख्याल रखें, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। पेट गड़बड़ होने के योग इस सप्ताह में 8 फरवरी से 14 फरवरी के बीच बन रहे हैं। वाहन का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा शारीरिक कष्ट, तकलीफ, खरोंच, चोट चपेट हो सकती है, क्योंकि होनी ही है, हो सकती क्या। यदि लापरवाही की तो कष्ट जरूर होगा। 12 और 13 तारीख को धन लाभ होगा। 12 और 13 तारीख को धन लाभ के योग मेष राशि वालों को बनते हैं। ध्यान रखिए, इन दो तारीखों का अवसर का लाभ लीजिए। घर में शांति बनाए रखिए, अन्यथा विवाद तकरार की स्थितियां बन रही हैं। शुभ योग या शुभ मुहूर्त है 12 तारीख को शाम के समय। 12 तारीख को शाम के समय दिन में 4:06:03 तक शुभ योग, शुभ संयोग है, इसका लाभ लीजिए। आपके लिए मेष राशि वालों के लिए एक उपाय बताते हैं। एक दीपक बनाइए, तेल का चौमुखा दीपक, 2 बत्तियां बनाइए, उनको क्रॉस करा दीजिए, प्लस का निशान बना दीजिए, 4 कोने हो जाएंगे। चारों कोने में यानी बत्ती के चारों मुख में वो जलाना है, उसे चौमुखा दीपक कहते हैं। और यह दीपक घर के छत में रात्रि में रख दिया करें, भगवान के निमित्त, ईश्वर ने चाहा तो आपका अवश्य कल्याण होगा। प्रेम प्रसंग वाले थोड़ा सा सावधानी से चलें, किसी से बहस विवाद न करें, हाँ में हाँ मिलाकर काम करें तो प्रेम प्रसंग ठीक रहेगा, अन्यथा भड़कने के योग हैं, फिर एक दूसरे को मनाते फिरेंगे। हमारे द्वारा दिया गया यह राशिफल सभी को शेयर करिए, सभी को बताइए। हमारा यूट्यूब लाइव कार्यक्रम रोजाना रात्रि में 8 से 9 बजे के बीच चलता है। हमारे इसी भविष्य फल चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप रोजाना देख सकते हैं। और फोन करके हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का, फोन करके स्वयं देख लीजिए कि कितनी सटीक ज्योतिष विद्या है हमारी। धन्यवाद। हर हर महादेव। घर घर महादेव।